वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। ये है आप लोगों के सामने हमारे संविधान का प्रीएम्बल, यानी कि हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जब भी यहाँ पर यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते थे तो कहीं ना कहीं मन में जम्मू और कश्मीर हमेशा से ये दिखाई देता था कि यार कहने के लिए तो है पर लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। तो अब यहाँ पर ये कमी पूरी कर दी गई है जो हम लोग को हमेशा से दिखती थी कि हाँ ये जम्मू और कश्मीर थोड़ा अलग पोर्शन है। अब यहाँ पर हमारी कंट्री में ये अलग पोर्शन नहीं रहा है। ये आज की डेट में जो आप लोगों को मैप दिख रहा है, अब ये मैप आप लोगों का चेंज होने वाला है। जहां पर आप लोग जम्मू और कश्मीर एक राज्य बोला करते थे, अब यहां पर ये राज्य हटकर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे कैसे है इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। पर लेकिन सबसे शानदार बात मैं यहां पर एक बोलूंगा, आप लोगों ने जर्मनी यूनिफिकेशन का नाम सुना है। जर्मनी को जब यूनाइट किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, वो इतना शानदार प्ले गेम था कि किसी की समझ में ही नहीं आया। वो अपना गेम खेलता चला गया और जर्मनी को यूनाइट करके ले गया। वो आज की डेट तक भी लोगों की जब समझाते हैं तो लोगों की समझ में आता है कि वाह क्या प्लान गेम किया था उस टाइम पर बंदे ने। तो उसको कहते हैं माइंड प्लान। कुछ ऐसा ही माइंड प्लान अब यहां पर जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सिचुएशन यहां पर बनी थी हमारी आजादी के बाद में, सारे राज्य जो हमारी कंट्री में इंक्लूड होते चले गए, पर लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे बचे जिन्होंने उस टाइम पर बोला कि हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ ऐसी बात बोली थी कि जोन चाहता है इंडिया का पार्ट बन सकता है और जो चाहता है इंडिया का पार्ट नहीं बनना है वो अलग रह सकता है। तो उसमें से जम्मू और कश्मीर भी एक था। तो उस टाइम तो यहां पर ये चीजें किसी न किसी तरीके से कंडीशन ऐसी बन गई कि एक टेम्परेरी स्टेटस दे दिया गया आर्टिकल 370 के तहत यहां पर जम्मू और कश्मीर को, और इंडिया के साथ में इंक्लूड कर लिया गया। पर लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वे में जो इंक्लूजन होता है हमारे संविधान के हिसाब से वो नहीं देखने को मिला था। तो जिस तरीके से जर्मनी यूनिफाई की गई बिस्मार्क के द्वारा, कुछ इसी तरीके से आप लोग आफ्टर हमारी कंट्री में जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में, अब ये दो लौह पुरुष आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जिनके द्वारा हमारी कंट्री यूनाइट की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि जो माइंड प्लान यहां पर बनाया गया, जो एक तरीके से गेम पूरा सेट किया गया है, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि देख के भी मजा आ गया कि वाह इसको कहते हैं पकड़, इसको कहते हैं चीजों को अच्छे से टैकल करके चलना। सारी चीजें इतने शानदार तरीके से प्लान की गई है। वो क्या क्या प्लान है आप लोग ये समझिए। अगर आप लोग देखेंगे आर्टिकल 370 तो उसी के अंदर यहां पर यह बता रखा था कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आगे चलकर इसको इंडिया में इंक्लूड करना है तो यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होगा। तो यह बात वहां पर बोली गई, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होगा। पर लेकिन कंडीशन ये थी उसके साथ में कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ में आप लोगों को जो राज्य की असेंबली है उससे भी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब देखिए, राज्य हमेशा जम्मू और कश्मीर में जो लोकल जो वहां पर पार्टीज हैं वो कभी चाहती नहीं थी कि यहां पर इसको इंक्लूड किया जाए। तो अब यहां पर इसको कहते हैं लूप होल का यूज करना। तो कैसे लूप होल का यूज किया गया यहां पर, इसको कहते हैं माइंड प्लान। देखिए, सबसे पहले वहां पर क्या किया गया, अभी हमारी कंट्री में इलेक्शन हुए 2019 में, जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए। जम्मू और कश्मीर के जो इलेक्शन थे यहां पर उनको बोला गया कि उनको बाद में कराएंगे। वहां पर अभी फिलहाल गवर्नर रूल चल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज की डेट में वहां पर कोई लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, एक तरीके से गवर्नर रूल चल रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है कि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना है तो असेंबली से पूछने की जरूरत पड़ेगी। असेंबली यहां पर है नहीं तो इसका मतलब किससे पूछने की जरूरत पड़ेगी, गवर्नर से पूछने की जरूरत पड़ेगी। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि पूरे प्लान तरीके से बड़े ही प्यार से यहां पर इसको इंक्लूड कर लिया गया है जम्मू और कश्मीर को अपनी कंट्री में, यानी कि हमारा पार्ट अब हमारे पास आ गया है कंप्लीटली। तो इससे देखिए फायदे बहुत सारे होने वाले हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग फायदा तो ये होगा, अब यहां पर जब ये सेंट्रल के कंट्रोल में रहेगा तो कहीं ना कहीं जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान की साइड से यहां पर की जाती थी वो काफी हद तक आप लोगों को कम होती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, देखिए जब डेवलपमेंट होता है ना किसी पर्टिकुलर एरिया में तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, और इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है तो जनता फिर वहां पर वैसे खुश रहने लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग इसको पॉजिटिव साइड में देखकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए काफी अच्छा ये स्टेप आप लोग एक बोल सकते हैं। इतने लंबे समय से यहां पर ये एक इशू चला हुआ आ रहा था कि हाँ ऐसा होना है या वैसा होना है, पता नहीं कैसा कैसा होना है, यही सुन सुनकर हमारे कान पक चुके थे कि हाँ क्या क्या होना है। आप लोगों को पता है कि एक तरीके से आप लोग हिस्टोरिकल मूवमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखने को मिलेगा हमसे पहले जनरेशन जो जा चुकी है वो इस मूवमेंट को नहीं देख पाई। मुझे एक बात याद आ रही है, जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम सर की डेथ हुई तो मतलब एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि हम खुश नसीब हैं कि हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम सर का एरा देखा है, यानी कि उनके टाइम में हम भी थे। आने वाली जनरेशन जब उनको याद करेगी कि हाँ ऐसा था तो हम भी बोल सकते हैं अपने टाइम तक जब तक हम लोग जिंदा है कि हाँ उनके टाइम पर हम भी जिंदा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग गवाह हैं इस इवेंट के कि हाँ आपके टाइम पर हमारी कंट्री कंप्लीटली यहां पर एक तरीके से रीयूनाइट हो गई है। कुछ थोड़ा पोर्शन छोड़ दीजिए आप लोग पाक ऑक्युपाइड एरिया और जो थोड़ा सा चाइना के अंडर में, इसके अलावा आज की डेट में हमारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम जो
पोर्शन है जो अब तक बोलता था कि टेम्परेरी प्रोविजन है, अब पूरा हमारा संविधान इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं अंदर से खुशी करने वाली बात है। अब इसके बाद में क्या होगा, देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन थे बेसिकली उनको क्या करना पड़ता था, उनके पास में दो सिटीजनशिप थी, अलग फ्लैग था, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था वहां को एक तरीके से उसको मतलब प्राइम मिनिस्टर के तरीके से कंपेयर किया करते थे, यानी कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर उनको बोला करते थे इनडायरेक्ट वे में। इसी के साथ में वहां पर आप लोगों को पता है अभी आरटीआई हम लोगों ने डिस्कस किया था, आरटीआई जो अच्छे अच्छे लॉ है वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोग लगा लो वो इंप्लीमेंट नहीं होती थी, एक तरीके से वहां पर कंप्लीटली डिफरेंट चीजें थी। यहां से हमारी कंट्री के यानी कि हमारी कंट्री का जो इंटरनल पार्ट है वहां से जम्मू और कश्मीर में कुछ जाकर कोई खरीदना चाहता है जमीन वो वहां पर कुछ नहीं कर सकता था, कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इवन अच्छे अच्छे टीचर अगर कोई डॉक्टर पर काम करना चाहते हैं तो एक तरीके से सारा जो एक तरीके से कब्जा था वहां पर वो लोकल एरिया का कब्जा था और वहां पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि देखिए अगर कहीं पर आप लोग देखेंगे ना पर्टिकुलर एरिया में जगह जगह जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके पास में पैसा होगा, जब वहां पर अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा तो कहां से चीजें ढंग से डेवलप होगी। तो ये एक काफी अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। अब क्या होने वाला है वो बात हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, अभी इसके बारे में एक बार आप लोग जान लीजिए, अभी यहां पर जो है इसको हमारी कंट्री में जो आर्टिकल 370 था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा यहां पर इसको अबोलिश किया गया है और गवर्नर आप लोगों को पता है सत्यपाल जी, तो एक तरीके से उनके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर इसको जम्मू और कश्मीर वाले पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड करके। ये इससे भी शानदार स्टेप है, देखिए इससे भी शानदार स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह है, अगर राज्य बनाते तो फिर से यहां पर गवर्नमेंट चुनकर आती और फिर से वो पूरी गवर्नमेंट चुनकर आती, फिर से यहां पर हाउल्ला होता। तो यहां पर इसको राज्य नहीं बनाया गया, इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है, यूनियन की टेरिटरी, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो सेंटर का कंट्रोल, तो सेंटर के कंट्रोल में यहां पर ये अब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सबसे पॉजिटिव बात है यहां पर, यानी कि अब यहां पर ये है कि एक तरीके से कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसे हमारी कंट्री में 7 यूनियन टेरिटरी है, यहां पर आप लोग देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, जब से पहले ये रूल पास नहीं हुआ था, पर लेकिन इस रूल के पास होने के बाद में अब हमारी कंट्री में राज्य एक घट गया, 28 राज्य हो गए हैं और जो यूनियन टेरिटरी है यहां पर ये 7 की जगह 2 यूनियन टेरिटरी जुड़कर यहां पर 9 यूनियन टेरिटरी यहां पर हो गई है। 9 यूनियन टेरिटरी कैसे हो गई, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो हो गया जम्मू और कश्मीर वाला रीजन और दूसरा हो गया लद्दाख वाला रीजन। अब जो लद्दाख वाला रीजन है ये बाकी की 5 यूनियन टेरिटरी जैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, 5 कौन सी, जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में 7 यूनियन टेरिटरी है, तो छोड़कर दिल्ली और पुंडीचेरी को किसी के भी पास में खुद की असेंबली नहीं है, यानी कि जहां पर इलेक्शन होते हो सेंटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब इसमें से जो ये होगी लद्दाख, ये तो बची हुई जो 5 होगी उनके इक्विवेलेंट होगी, यहां पर इलेक्शन नहीं होंगे, सेंटर के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। अब जो यहां पर J&K वाला पोर्शन होगा यहां पर इलेक्शन होंगे, अब 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में हो जाएंगी जो कि इलेक्शन पार्ट, जो इलेक्शन होगा जहां पर और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि अब हमारी कंट्री में 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी होंगी जिनके खुद के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये बोलने वाली बात है, अब तक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखने को मिलता था आप लोगों कि एक ऐसी लोती यूनियन टेरिटरी जिसके पास में खुद का हाईकोर्ट है वो कौन सी थी, वो दिल्ली थी। अब दिल्ली का ये टैग छिन गया है क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर के पास में भी खुद का हाईकोर्ट हो गया है। तो एक और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों से आगे आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं आप लोगों को पता है इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, यहां पर अब तक आप लोग पौंडीचेरी और यहां पर किसके बोलते थे, जम्मू और कश्मीर के, अब यहां पर किसके बोलेंगे आप लोग, वो सॉरी पौंडीचेरी और दिल्ली के आप किसके बोलेंगे, जम्मू और कश्मीर के भी बोलेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेंगे, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पर ये जो एक्ट है इसको यहां पर भी बिल है, ये एक्ट बनेगा अभी, यह जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहां पर, एक तरीके से क्या किया जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 के रिवोक होती तो जम्मू और कश्मीर यहां पर एक टेरिटरी बन जाएगी, यूनियन टेरिटरी, जो कि एक स्टेट नहीं होगा। एक साइड में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली को स्टेट बना दो और यहां पर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिला है लद्दाख, तो लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, तो यहां पर लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा और लद्दाख होगा बिना लेजिस्लेचर। तो यह काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, अगर और जैसे अभी कई सारे बच्चे से जम्मू कश्मीर से देखते हैं तो जरा जरा से टाइम पे वहां पर क्या रहता है, वहां पर रहता है कि हाँ आज के डेट में वहां पर कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो देखिए कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा भी वहां पर चीजों को सेटल होने में, इसके बाद में बड़ी ही नॉर्मल कंडीशन होने वाली है, पर लेकिन अभी कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि अभी जो है कंडीशन ऐसी क्रिएट की गई है। देखिए पहले यहां पर 10,000 ट्रूप भेजे गए, फिर 15,000 ट्रूप भेजे गए, उसके बाद में जो भी लोकल लीडर थे सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और तब जाकर यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। और यहां पर गवर्नमेंट भी कौन है राज्य में, वो यहां पर एक तरीके से गवर्नर रूल। तो पूरा सिस्टमेटिक प्लान, एक तरीके से इसको कहते हैं वेल प्लान्ड एक स्टेप उठाना। तो अब यहां पर आराम आराम से चीजें सेटल होंगी,
चीजों को कंट्रोल किया जाएगा और तब जाकर यहाँ पर आराम से हमारी कंट्री में एक अच्छे वाली शांति देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर यह, अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ये बोले थे कि मैं यहाँ पर दोनों के बीच में सुलह करवा देता हूँ कि हाँ किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, अब ये वाला रीजन बन गया बस ओनली यहाँ पर सुलह करने के लिए। अब यहाँ पर बात की जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप की और पाकिस्तान के साथ में, हाँ ये करना है तो पाक ऑक्युपाइड एरिया बस बच गया है अब यहाँ पर बाहर, बाकी ये पोर्शन जो हो गया ये अब इंडिया के पास में आ गया कंप्लीटली, और ये यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है ये चाइना के पास में है। तो अभी जो ये वाला पोर्शन है ये कंप्लीटली इंक्लूड हो गया है, जो कि ये भी यहाँ पर एक टेम्परेरी प्रोविजन में आता था नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो। तो कैसा रहा ये माइंड प्लान और कैसा लगा आप लोगों को ये स्टेप, देखिए मुझे तो बहुत पसंद आया, बाकी आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए जिनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था सही बात है, जिनको नहीं लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आगे चलकर आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी। अभी जो है जो जम्मू और कश्मीर वाले हैं वो काफी इमोशनली कनेक्ट थे आर्टिकल 370 और यहाँ पर जो बात करें पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर पूरी कंट्री साथ में होगी, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हर साथ में खड़े होंगे, हर डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, सब चीजें होंगी अच्छे से, सारा काम अब देखते हुए जाएंगे। तो एक नया मैप जो अब यहां पर निकल कर आएगा वो वाकई ही रिमार्केबल आप लोग एक इवेंट बोल सकते हैं यहां पर। तो देखिए आगे क्या सिचुएशन निकल के आती है, बाकी जो भी अपडेट्स होगी हमारा जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, बाकी या नैनो मैगजीन के अंदर, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनेंगे इससे इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों के आने वाले टाइम में क्वेश्चन वाली वीडियो में जो मॉर्निंग में आती है 4 बजे उसमें इंक्लूड कर लेंगे। बाकी आप लोग अपना विचार बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।